Hello and welcome to Exam Shastra. Today we'll discuss about the current affairs of 28 September and ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं. पहला जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट एम एस स्वामीनाथन जी. जो हाल ही में यहाँ पे जो न्यूज़ आया था कि एम एस स्वामीनाथन रेनाउंड इंडियन साइंटिस्ट पासेस हुए, असल में इंडिया के लिए बहुत दुख की बात है कि उनका देहांत हो गया है. तो उनके बारे में हम लोगों को जानना है. बेसिकली जो ये अवार्ड आता है, ये पर्सनैलिटी सेगमेंट से भी इम्पॉर्टेंट है, ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का काम, जो भी कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए किया है, तो ये जो बात है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. और थोड़ा बहुत पहले इनके बारे में भी जान लेते हैं कि हु वास एम एस स्वामीनाथन, क्या क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है. पहली बात तो ये कि लाइक ये तो सबको, बहुत लोगों को मालूम है कि एम एस स्वामीनाथन ही हेल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन. इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन और टेकेट जनक बुलियो कुआ जाए, ही पासेस अवे इन चेन्नई. नाउ इनके बारे में क्या जानना है कि इनके बारे में लाइक एज ए पर्सन ये कौन थे, ठीक है, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है या फिर कौन कौन सी पोजीशन पे ये रहे थे इंडिया में, इसके बारे में जानना है. तो स्वामीनाथन, पॉपुलरली नोन एज एम एस स्वामीनाथन, इनका जो ओरिजिनल नाम है, इट इज़ मनकम्बू संबासीवन स्वामीनाथन. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज एम एस स्वामीनाथन, वॉज ए लेजेंडरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड ए की आर्किटेक्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रीन रिवोल्यूशन. ভারতবর্ষত যে গ্রীন রিভলিউশন হয়েছিল, সেউজ বিপ্লবর ঘোষণা হয়েছিল, তার আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ যদি কাবালে যদি শ্রেয় কাবালে যদি যায়, সেইজনেই ব্যক্তি হয়েছে এম এস স্বামীনাথন. বিটুইন 1972 to 1979 হি ওয়াজ দ্য ডিরেক্টর জেনারেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ICAR, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চর তেওঁ ডাইরেক্টর হিসাবেও কাম করেছিল ফ্রম 1972 to 1979. ইয়াদ রাখনা হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ. হি অলসো ফর্ম দ্য ন্যাশনাল ব্যুরো অফ প্লান্ট অ্যানিমেল एंड फिश जेनेटिक रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है. ये जो प्लांट एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का ब्यूरो है, ये उन्होंने ही बनाया था. फ्रॉम 1981 अप टू 1985 ही वॉज इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द FAO, दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी वो इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहे थे फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, फ्रॉम 1981 to 1985, ठीक है. 1984 से ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ IUCN, जो एक रेड डाटा बुक पब्लिश करते हैं, जहाँ पे अलग अलग जो भी स्पेशीज है, जो भी मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैंने राइनो के बारे में उस दिन बोला था, ठीक है, हर एक क्रिएचर्स, हर एक स्पेशीज को अलग अलग स्टेटस दिया जाता है. जैसे लीस्ट कॉन्सर्न हो गया, ठीक है, लीस्ट वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऐसे कुछ बहुत सारे स्टेटस दिया जाता है. जो कल वाला जो एनालिसिस था, उसमें हम लोगों ने इन केस ऑफ राइनो डिस्कस किया था, ठीक है. ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस है, यहाँ पे एज ए प्रेजिडेंट इन्होंने काम किया था फ्रॉम 1984 to 1990 एट द एग्रीकल्चरल इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके. एट द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वामीनाथन फाउंडेड द न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी NRL. ये जो NRL है, न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी, यहाँ पे उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है. स्वामीनाथन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ पेडी दैट हेल्प एंश्योर इंडिया लो इनकम फार्मर्स प्रोड्यूस मोर यील्ड, ठीक है सर. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो की बात है লাইক এগ্রিকালচার ক্ষেত্রতে যে আটাইতকৈ কিবা তেওঁৰ অৱদান আছিলে, সেইটো হৈ গ'ল HYV seeds, বেসিকালি পেডি সিডস, হাই ইল্ড ভেরাইটি পেডি সিডস, ঠিক আছে. নাও লাইক ইল্ড মানে হয়তো সকলে গম পাইছে যে ফর এক্সাম্পল প্রতি বিঘা এজন ব্যক্তির কিমান আছে, 10 বিঘা মাটি আছে, ঠিক আছে, 10 বিঘা উনকা জমি, উনকে পাস জমিন হ্যাঁ, ঠিক আছে, ইয়ে 10 বিঘা জমিন হ্যাঁ. তো ইহা পে লগভগ मान लीजिए 20 यूनिट ऑफ, ठीक है, 20 यूनिट ऑफ पेडी यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है. तो पार बीघा के हिसाब से अगर देखा जाए तो द यील्ड इज अराउंड 2 यूनिट, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, ऑफ पेडी.
ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ उगाया जाए ताकि ये जो 2 यूनिट है, दैट मींस 20 यूनिट ऑफ पैडी जो है, ये जाके 7 यूनिट ऑफ पैडी अगर इसको किया जाए तो हर एक बीघा में कितना प्रोड्यूस होगा, 10, आई एम सो सॉरी, 6, ठीक है, 6 यूनिट ऑफ पैडी यहाँ पे प्रोड्यूस अगर किया जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो वेराइटी है, दिस इज हाई यील्ड वेराइटी, ये पर यूनिट ऑफ एरिया के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है। तो ये जो पर यूनिट के हिसाब से जो हाई यील्ड वेराइटीज है पेडी का, ठीक है, पेडी क्रॉप्स का, ये इन्होंने डेवलप किया था जो ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, साथ साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। स्वामीनाथन वॉज अवार्डेड एज द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइस विनर इन 1987। तेओ प्रथमबारों कारण वर्ल्ड फूड प्राइज पाने सक्षम होते। एंड स्वामीनाथन ही अल्सो सेट अप एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ओके, इन चेन्नई, ठीक है, उन्होंने चेन्नई में एक एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन का भी जन्म लिया था। क्या क्या अवार्ड्स उनको मिला था, बहुत सारे अवार्ड्स का लिस्ट जो है बहुत बड़ा है। पहला जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1961 में इनको मिला था, ठीक है, मेंडल मेमोरियल मेडल 1965 में मिला था। इम्पॉर्टेंट इस रेमन मैक्सेसे अवार्ड जो है, ये जब मैंने इंस्टाग्राम में डाला था तो यहाँ पे मैंने जो भी प्रीवियस विनर्स फ्रॉम इंडिया इनके बारे में भी मैंने वहाँ पे डाला था, उसमें एम एस स्वामीनाथन जी का नाम मैंने दिया था। ऑल्सो ही गॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड इन 1986, द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है 1987 में, ये भी मिला था। द टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट भी मिला था। द फोर फ्रीडम अवार्ड्स 2000 में इनको मिला था ये अवार्ड, ठीक है, ओके। प्लैनेट एंड ह्यूमिडिटी मेडल फॉर इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन, ठीक है, IGU 2000 में इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन का जो प्लैनेट एंड ह्यूमिडिटी मेडल अवार्ड है, ये किसको दिया गया था, एम एस स्वामीनाथन जी को ही दिया गया था। ही रिसीव्स द फोर्थ थर्ड एंड द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है, आ सकता है कि उसको उनको ये अवार्ड मिला था। उनमें से अगर आप लोगों को ये जानने को मिले कि जो पद्मा अवार्ड्स है, पद्मा अवार्ड्स में से कौन कौन सा अवार्ड उनको मिला था, ही रिसीव द फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड, उनको द हाईएस्ट अवार्ड अभी तक नहीं मिला है, तो ये याद रखना है, ठीक है। जैसे पद्मश्री मिला है, पद्मभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, ओके, एज वेल एज द एच के फिरोदिया अवार्ड, द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड एंड द इंदिरा गांधी प्राइज भी इनको मिला है। बहुत ज़्यादा अवार्ड्स इन्होंने हासिल किया है अपने लाइफ में, क्योंकि काम भी उन्होंने ऐसे ही किया था। अभी तक उनको भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन बाकी जो पद्म अवार्ड्स है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन पर जिसको गिना जाता है, ये सभी अवार्ड उनको मिलने के लिए ये वो सक्षम हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े दिग्गज लोग अगर हमारे बीच में से चले गए हैं तो इंडिया के लिए बहुत नुकसान भरी बात है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कंसर्न फॉर आधार इन इंडिया। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, ये जो आधार से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया है, ठीक है, जो आधार से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ सुर्खियों में है। रिसेंटली इन द मिस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मूडीज रिपोर्ट, मूडीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, ठीक है, कुछ इंडेक्स भी ये पब्लिश करते हैं, तो उनका जो रिपोर्ट था, मूडीज ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों का जो रिपोर्ट था, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट, इट हैज अंडरस्कोर्ड दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली डिनाइज सर्विस टू यूजर्स। बोला गया है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है, ये अपने यूजर्स को कभी कभार सर्विस जो है ये डिनाई
करते हैं। तो क्या क्या की फाइंडिंग्स है, पहला तो ये है, बोला गया कि आधार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सबसे बड़ा लाइक बन के पहले आया है, इट इज़ अबाउट द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कॉन्सर्न। दूसरा जो है, इट इज़ अबाउट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कॉन्सर्न। देखिए, द रेटिंग एजेंसी रिमार्क इन इट्स रिपोर्ट अबाउट द कॉमन एडॉप्शन ऑफ आधार फॉर राउटिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए, डीबीटी के लिए भी क्या चाहिए होता है, आधार रिलेटेड होना, आधार लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑथेंटिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज को पहले चेक किया जा सके, उससे बाद डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, टू ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज, डीबीटी ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज ऑफ वेलफेयर स्कीम सच एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, MGNREGA जिसको बोलते हैं, कोई कोई लोग मनरेगा भी इसको बोलते हैं, व्हिच इज हिंडरिंग देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। आधार बायोमेट्रिक फेसेस हर्डल्स इंक्लूडिंग द बर्डन ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑथराइजेशन एंड कंसर्न अबाउट बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी। तो ये एक कंसर्न बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो है कंसर्न रिलेटेड टू सर्विस डिनाइल्स, जो सर्विस डिनाइल्स की यहाँ पे बात हो रहा है उससे रिलेटेड क्या कंसर्न है, इसको भी हम लोग देखेंगे। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में UADAI, इट एडमिनिस्ट्रेट्स आधार एमिंग टू इंटीग्रेट मार्जिनलाइज ग्रुप्स एंड एक्सपांड वेलफेयर बेनिफिट एक्सेस। ये जो मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स है, ठीक है, सोसाइटी के, उनको जो DBT जैसे जो भी सुविधा या फिर अलग अलग स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन पे जो भी आधार को इंटीग्रेट किया जाता है, इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, कभी कभार द सिस्टम ऑफ एंड रिजल्ट्स इन सर्विस डिनाइल्स। क्यों सर्विस डिनाइल्स होता है, बिकॉज रिलायबिलिटी और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का जो एक स्कोप है वो कभी कभार क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, स्पेशली फॉर मैनुअल लेबर्स इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, दैट इज क्वेश्चनेबल। देखिए, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, जो मैनुअल लेबर्स है, যেনেকে আমি কোনো সাল এৰুৱা বুলি কওঁ, সাল এৰাই যায়, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, তেওঁলোকৰ হাতৰ যি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেইখিনি ভালকৈ আহি নপৰে। ঠিক আছে, চ' বায়'মেট্ৰিক টেকন'লজিৰ এটা লিমিটেশ্যন, আমি এই হট হিউমিড ক্লাইমেটত যোনখিনি মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনৰ যোনখিনি মেনুৱেল লেবাৰ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি প্ৰব্লেম দেখা পাওঁ, আৰু যাৰ কাৰণে মাজে মাজে কি হয়, তেওঁলোকে সার্ভিস ডিনাইলৰ দৰে সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয়। এছোস রিলেটেড টু সেন্ট্রেলাইজেশন অফ দ্য ডাটা, মুডিস মেড এ পিচ অপ ফর ডিসেন্ট্রেলাইজ DID সিস্টেম সাচ এস ডিজিটাল ওয়ালেট বেসড অন ব্লকচেইন ক্যাপাবিলিটিজ দ্যাট গিভস ইউজার্স মোর কন্ট্রোল অফ দেয়ার প্রাইভেট ডাটা এন্ড ক্যান রিডিউস অনলাইন ফ্রড। দেখিয়ে, মুডিস নে ক্যা বলা কি আপ লোগে জো সেন্ট্রেলাইজ সিস্টেম হে জাহাঁ পে হর এক কোই ডাটা হে এক ইন্ডিভিজুয়াল ইউজার্স কে বারে মে, ওহাঁ পে প্রাইভেসি এক কনসার্ন হো সকতা হে, ফির অনলাইন ফ্রড বগেরা হো সকতা হে, ক্যোঁকি ইন্ডিয়া এক এসা কান্ট্রি হে জাহাঁ পে ডিজিটাল ডিভাইড বহুত জ্যাদা হে। মানে ডিজিটাল ডিভাইড কে বারে মে ভি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যানালাইসিস মে জো ডিসকাশন হে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাশন, ওহাঁ পে মানে ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ बात ऐसा है कि उन लोगों ने बोला है रिपोर्ट में कि इंडिया शुड गो फॉर डिसेंट्रलाइज आईडी सिस्टम, दैट मींस DID सिस्टम, जो कि थकिब डिजिटल वालेट थकिब, तार ऊपर बेस करी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऊपर बेस करी तेलोके निजर काम समूह यूजरे निजर जितु अकाउंट बा निजर जितु लाइक इंटरफेस আছে হেতু কন্ট্রোল কৰিব পাৰিব, আৰু প্ৰাইভেট ডাটা খিনি তেলোকে সিকিউৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব, এণ্ড ইট কেন অলসো রিডিউস, ইট উইল অলসো রিডিউস, ইট উইল অলসো রিডিউস দা অনলাইন ফ্রড ইন দা ফিউচার। নাও গভর্নমেন্টে কি কৈছে, আমাৰ গভর্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা কি ৰেসপন্স আহিছে, কৈছে যে মুডিজ যিটো ৰিপৰ্ট আছে, মুডিজৰ মুডিৰ ৰিপৰ্টটোতকে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় আমাৰ বাবে, ৰিকগনিশ্যন বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এজেঞ্চিজ সাচ এজ IMF, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, দে হ্যাভ লাউডেড আধার এন্ড সেভারেল নেশনস হ্যাভ অলসো এঙ্গেজড উইথ দ্য ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। বহুত সারে এসে কান্ট্রিজ হ্যাঁ জিন লোগোঁ নে ইসকো সমঝনে কে লিয়ে, ঠিক হ্যায়, লাইক UIDAI কে সাথ ইন লোক জুড়ে হ্যাঁ, অ্যালং উইথ মেনি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস লাইক IMF, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নে ভি ইসকো বহুত জাদা অ্যাপ্রিশিয়েট কিয়া হ্যায়। তো বোলা কি মুডিস কার জো রিপোর্ট হ্যায় ভো সবসে জাদা ইম্পর্টেন্ট নেহি হ্যায়, হামারে লিয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যায় ইন্টারন্যাশনাল জো অর্গানাইজেশনস লাইক IMF এন্ড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, সাথ সাথ মে জো কান্ট্রিজ জিন লোগোঁ নে UIDAI के साथ एंगेज्ड होके इस पर्टिकुलर सिस्टम को समझने के लिए एक स्टेप लिया है। ठीक है, दूसरा जो है फैसिलिटेशंस ऑफ स्कीम्स लाइक MGNREGA और मनरेगा। ठीक है, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट। नाउ गवर्नमेंट सेड दैट ऑथर्स ऑफ द रिपोर्ट आर अनवेल, কি কৈছে, যোনে এই ৰিপৰ্টটো বনাইছে তেওঁলোকে নাজানে আচলতে, দেট দ্য চিডিং অফ আধাৰ ইন দ্য MGNREGA'ৰ ডাটাবেছ হেজ বিন ডান উইদাউট ৰিকুৱাৰিং দ্য ৱৰ্কাৰ টু অথেণ্টিকেট ইউজিং দেয়াৰ বায়োমেট্ৰিক্স। কৈছে যে আমি
তেলুকৰ বায়োমেট্রিকৰ দ্বাৰা অথেন্টিকেট নকৰাকে ঠিক আছে আমি বেলেগ ধৰণে মানৰেগাৰ জৰিয়তে কি কৰি আছো লাইক আধাৰ সিডিং কৰিছো আৰু মানৰেগাৰ বেনিফিট কিনি মানুহক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছো তাৰছ গৱৰ্ণমেণ্টে কি কৈছে এডভান্টেজেস অফ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ দেখি কি আহে কি গৱৰ্ণমেণ্ট ষ্ট্ৰেছ আপন ষ্ট্ৰেছ দেট গৱৰ্ণমেণ্ট ষ্ট্ৰেছ দেট ইভেন পেমেণ্ট টু ৱৰ্কাৰ্ছ আণ্ডাৰ দ্য স্কীম ইজ মেড বাই ডাইৰেক্টলি ক্ৰেডিটিং মানি ইন টু দেয়াৰ একাউণ্ট and does not require the workers to authenticate using their biometrics kuse je sira sidhe ami ki koribo paro dbt r joriyote ami ki korisu manor majole paisa di disu and it does not require the worker to authenticate using their biometrics sira sidhe dbt transfer ase jar joriyote teloke bibhinno subidha homu labh koribole sokkhom hoise thik ase basically jitu middle man or problem asile india he middle man or problem to kintu bahut like bahut khetrot bu khetrot jodi sabole jua jay etu komi jua dekha pua goise ঠিক আছে নাও নেক্সট কনসার্ন অর নেক্সট টপিক ইজ অ্যাবাউট ওবিসি কনসার্নস ইন দ্য উইমেন রিজার্ভেশন বিল 2023 হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর জিএস পেপার টু ঠিক হ্যাঁ পে গলত লিখা হয় সোর্স কন সা হ্যাঁ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সে ইসকো লিয়া গয়া নাও কনটেক্সট ক্যা হ্যায় দেখিয়ে হাল হি মেয়ে 2023 মেয়ে আপ সবই কো মালুম হ্যায় উইমেন রিজার্ভেশন বিল লাযা গয়া থা जहाँ पे 33% सीट्स को क्या किया जाएगा रिजर्व किया जाएगा फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ठीक है एंड इट डज नॉट इंक्लूड ए कोटा फॉर वीमेन फ्रॉम द ओबीसी कैसे जाए 33% तो दिए दिले কিন্তু ইয়াতে ওবিসির কারণে স্পেশাল উইদ ইন দ্যাট 33% কিবা কোটা ইনক্লুড করা গৈছে নেকি এই রিলেটেড একটা কোয়েশন উঠি আছে এই রিলেটেড অলপ ডিসকাশন চলি আছে ঠিক আছে অলসো আনলাইক শিডিউল কাস্ট and scheduled tribes the constitution does not provide political reservation for obcs in lok sabha and state assemblies ami jano je like lok sabha basically jodi kotha kobole jao ami gom pao je out of 543 seats 131 seats thik hai it like the 131 seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes thik hai unme se approximately 84 seats jo hai wo scheduled castes ke liye hai and 47 seats scheduled ट्राइब्स के लिए है ठीक है लेकिन ओबीसी को ऐसा सुविधा नहीं मिला इसीलिए बोला गया कि विद इन दैट 33% क्या ओबीसी के लिए अलग सा कोटा बनाया जाएगा ठीक है यही इशू है एंड क्रिटिक क्या बोलता है दे आर्ग्यू दैट ओबीसी हु कॉन्स्टिट्यूट 41% ऑफ द पॉपुलेशन आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट 41% होने के बावजूद भी इन लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है इसीलिए दे हैव डिमांडिंग ए सेपरेट कोटा ठीक है for themselves in the Lok Sabha and state assemblies similar to reservation for ST and SC bola hai ki agar SC and ST ko mil raha hai to hame bhi milna chahiye however government has not implemented such quotas citing legal and constitutional hurdles bola hai ki dekhiye yahan pe legal issues bhi ho sakta hai constitutional hurdles bhi hai to isliye ye to nahi ho sakta hai lekin several states गवर्नमेंट और सेवल स्टेट ठीक है सेवल स्टेट लोकल गवर्नमेंट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र दे हैव प्रोवाइडेड देम रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शन में इन लोगों को सुविधा मिलता है इन लोगों के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम है ठीक है बट द सुप्रीम कोर्ट हैज पुट ए कैप ऑफ 50% ऑन ओवरऑल रिजर्वेशन जो विकास कृष्णा राव ग्वाली वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बोला गया था विच लिमिट्स ओबीसी रिजर्वेशन आप तो 27% इससे ज़्यादा नहीं दे सकते ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हार्डल्स भी है ठीक है द 50% अपर लिमिट इज इन लाइन विथ इंदिरा सेवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ये इंडिया सेवानी एंड यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में भी ये बोला गया था एंड इट इज इन लाइन विथ जो 50% वाला जो कैप लिमिट है ये इस केस के साथ भी ठीक है ये इन लाइन में है ऐसा यहाँ पे बोला गया है क्रिटिस के द्वारा बोला जाता है द डिसीजन हैज बीन क्रिटिसाइज एज 27% रिजर्वेशन इज डिसप्रोपोर्शनेट टू द ओबीसी पॉपुलेशन इन द स्टेट बोला कि इट इज डिसप्रोपोर्शनेट ठीक है 27% वाला जो किस्सा यहाँ पे बोला गया जो इंद्र सेवानी केस में भी और जो बाकी सारे लाइक जैसे विकास कृष्ण राव ग्वाली केस में भी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में वहाँ पे भी ये बोला था ठीक है और ये करंट स्टैंड जो है इसके बारे में भी मैंने बोला है कि 17 लोकसभा में कितना टोटल एमपीज जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से है ऑलमोस्ट 120 एमपीज व्हिच अकाउंट्स अप्रॉक्सिमेटली 22% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा
यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, इट इज़ अबाउट गीता मुखर्जी रिपोर्ट। गीता मुखर्जी रिपोर्ट 1996 में लाया गया था, जब इसको पहली बार के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइक बिल जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल, वहाँ पे क्या लिखा है, साफ साफ ये लिखा है कि द रिपोर्ट कॉन्टेंट 7 रिकमेंडेशन, 7 रिकमेंडेशन गीता मुखर्जी कमिटी ने दिया था तो इम्प्रूव द बिल विच एम टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ये जो अभी इस साल जो लाया है ये 1996 में मुद्दा उठा रहा, लेकिन रिकमेंडेशन गीता मुखर्जी रिपोर्ट का क्या था, ये जो रिजर्वेशन होगा ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ सब रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस के लिए भी सब रिजर्वेशन चाहिए होगा, जो अभी के लिए तो नहीं चाहिए, जो इनको उठा दिया गया है, ठीक है। इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन केसेस वेयर द स्टेट हैज लेस देन 3 सीट्स इन लोकसभा, ठीक है। मान लीजिए किसी स्टेट में 3 सीट से कम लोकसभा का सीट है, वहां पे रिजर्वेशन होना पड़ेगा, और लेस देन 3 सीट्स फॉर SC and ST, ये भी क्राइटेरिया है, ठीक है। इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर द दिल्ली असेंबली, दिल्ली असेंबली में भी स्टेट असेंबली जो है, सॉरी यूनियन टेरिटरी का जो दिल्ली का जो असेंबली है वहाँ पे भी रिजर्वेशन देने की बात इन लोगों गीता मुखर्जी रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ था, इनके रिकमेंडेशन था, गीता मुखर्जी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। साथ साथ में प्रिजर्विंग सीट्स इन राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोला है कि जो अपर हाउस है चाहे वो यूनियन लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, इसमें क्या होना चाहिए, सीट्स रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो यही बोला गया है यहाँ पे, ओके। एंड 7 नंबर वाला जो पॉइंट है, इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग सब रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंस रिजर्वेशन टू ओबीसी, ठीक है। तो ইয়াতে কারেন্ট পোর্টফোলিও তো দিয়া আছে, পজ কৰি পলে আপোনালোকে চাব পাৰে, ঠিক আছে। এণ্ড সি আৰ্গুমেণ্ট যিটো আছে ওবিসি এগেইন 33% পৰা কোটা দিয়া কথাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হোৱাট আৰ দা আৰ্গুমেণ্টছ ইন ফেভাৰ এণ্ড এগেইনষ্ট অফ দা ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিটছ ফৰ উইমেন ফ্ৰম ওবিসি। দেখি পহিলি বাতটো এ কি দে ফেস মাল্টিপল ফৰ্মছ অফ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন এণ্ড অপ্ৰেশ্যন বেছড অন দেৰ কাষ্ট ক্লাছ, ठीक है, कास्ट क्लास एंड जेंडर। दे ऑफन डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसीलिए इन लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। दे हैव आल्सो डिफरेंट नीड्स एंड एस्पिरेशंस दैट मे नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड बाय वीमेन फ्रॉम अदर कैटेगरीज, जीतुक जीखि सुविधा भावे जो बाकी बेलेग कैटेगर पर जो কোনোবা উইমেন কেন্ডিডেট থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ দুখসমূহ তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি বুজি নাপাব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকক কি লাগে 33%ৰ ভিতৰতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন তেওঁলোকে বিচাৰিছে। দে হেভ বিন হিষ্টৰিকেলি আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড মাৰ্জিনেলা এণ্ড মাৰ্জিনেলাইজ ইন দ্য পলিটিকেল স্ফিয়াৰ অফ ইণ্ডিয়া বোথ এট দ্য নেশ্যনেল লেভেল এণ্ড দ্য ষ্টেট লেভেল। দে হেভ ফেচ বেৰিয়াৰ ছাচ এজ পেট্ৰিয়াৰ্কেল নৰ্মছ, কাষ্ট প্ৰেজুডিচেছ, ভায়লেন্স, ইণ্টিমিডিয়েশ্যন, লেক অফ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড এৱাৰনেছ এণ্ড স্লো ছেল্ফ কনফিডেন্স। বোলা গিয়া হে কি হিষ্টৰিকেলি ভি অগৰ দেখা যায় দে আৰ আনৰিপ্ৰেজেণ্টেড, ঠিক আছে, মাৰ্জিনেলাইজড পলিটিকেল স্ফিয়াৰ মে লোক ইনা সুবিধা নহয় মিলা হে, ঠিক আছে, বিকজ অফ পেট্ৰিয়াৰ্কেল নৰ্মছ, বিকজ অফ কাষ্ট প্ৰেজুডিচেছ, বিকজ অফ ভায়লেন্স এণ্ড ইণ্টিমিডিয়েশ্যন, চাহে ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড এৱাৰনেছ কি বাত কিয়া যায়, অৰ যো ছেল্ফ কনফিডেন্স এ ভি বহুত লো হতা, কিয়নকি অগৰ পলিটিকেলি তুমি কৈ দবাই যায়, ঠিক আছে, দবাই যায়গা তো তোমাৰ কনফিডেন্স তো লো হ'গা না, ঠিক আছে। ইসকে এগেইনষ্ট মে কিয়া কিয়া লাইক পইণ্টছ আ ৰহা হে, ভি ইম্পৰ্টেণ্ট হে ফ্ৰম বিনছ পাৰ্সপেক্টিভ। দ্য বিল অলৰেডি প্ৰভাইডছ ফৰ আ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ছিটছ ফৰ এছ চি এণ্ড এছ টি উইমেন হু আৰ দ্য মোষ্ট ডিছএডভান্টেজেছ এণ্ড ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ ইন দ্য ছচাইটি। বোলা হে কি এছ চি এণ্ড এছ টি উইমেন কে লিয়ে তো দিয়া গয়া হে ৱো সবচে জ্যাদা ভালনাৰেবল হে, ঠিক হে। এডিং আনাদাৰ কোটা ফৰ অ' বি চি উইমেন উড ৰিডিউচ দ্য ছিটছ এভেলেবল ফৰ দ্য জেনেৰেল কেটেগৰি। আগৰ মান লো ইছমে অৰ জ্যাদা এড কিয়া যায়, ঠিক হে, কোই ছিটছ এড কিয়া যায় तो यार प्रॉब्लम क्या आ सकता है, जो जनरल कैटेगरी के जो लाइक कॉन्टेस्टेंट्स है या फिर MPs है उन लोगों को सीट नहीं मिलेगा, ठीक है, उनका सीट सिक्योर नहीं होगा जो लोग हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ हैविंग ए सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन वुड क्रिएट फर्दर डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। मान लीजिए फिर से अगर यहाँ पे डिवीजन करा दिया गया तो SC ST के बीच में और OBC के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज सेपरेट रिजर्वेशन फॉर OBC वुमेन would not address the root cause of their problem such as poverty, literacy, violence, patriarchy,
ঠিক আছে কাস্টিজম করাপশন এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকক এপইণ্ট কৰি দিয়া সৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে সিট ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ যিখিনি সামাজিক সমস্যা আছে দৰিদ্ৰতা হওক ঠিক আছে অশিক্ষিতৰ হাৰ হওক বিভিন্ন কাষ্ট ৰিলেটেড প্ৰব্লেম ভাইলেঞ্চ পেট্ৰিয়াৰ্কি প্ৰব্লেমে হওক কৰাপশ্যনৰ প্ৰব্লেমে হওক তেওঁলোকে যে এডিকুৱেটলি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব সেইটো কোনো কৈছে যে সেইটো ক'ব নোৱাৰি নেক্সট টপিক ইজ এবাউট স্পুন চিটি যো বেংগালুরু মে ইসকো অ্যাপ্লাই কিয়া যা রা ঠিক আছে হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম জিএস পেপার থ্রি এনভায়রনমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ সোর্স ইজ দ্য আসাম ট্রিবিউন ঠিক আছে বেঙ্গালুরু মে কিয়া হতা হ্যাঁ বেঙ্গালুরু হি নেহি ইন্ডিয়াকে কই সারে শহরো মে আজকাল বহুত জাদা ইরেক্টিক রেঞ্জ কে কারণ মে ফ্ল্যাশ বাগ হাম লোগো দেখনে কো মিলা হ্যায় তো এক্সপার্টস কা কহনা ইয়ে হ্যায় কি যো স্পুন সিটি কনসেপ্ট হ্যায় ঠিক আছে বাই বিল্ডিং ম্যাসিভ আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্কস ইন লো লাইং এরিয়াস to capture flood water, a concept successfully implemented in cities like Munich, Beijing, Tokyo and Pittsburgh. तो इससे क्या हो सकता है जो प्रॉब्लम है फ्लैश फ्लड का या फिर एरेटिक रेन्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ठीक है पानी से रिलेटेड जो हार्वेस्टिंग है वाटर हार्वेस्टिंग इस पर भी हेल्प हो सकता है ठीक है और स्पून सिटी क्या है किस लिए इसको बनाया जाता है बेसिकली इट फोकसेस ठीक है ऑन रिटेनिंग एंड मैनेजिंग वाटर मेन पर्पज क्या है पानी को रिटेन करना और एंड मैनेज करना साथ साथ में ठीक है एंड इट सोर्स टू मिटिगेट फ्लडिंग एंड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजीज लाइक पार्मिएबल पेवमेंट्स रूफटॉप गार्डन ऊपर गार्डन बनवा जा पार्मिएबल पेवमेंट ठीक है जी पार्मिएबल है पानी जैसे सुमाय पानी जो एब्जॉर्ब कर पे तल लेकिन माटिए अंडरग्राउंड टैंक बनवा जा পোন বনোৱা যাব টু এবজৰ্ব এণ্ড ষ্ট'ৰ ৰেইন ৱাটাৰ তো স্পুন চিটিত এই কিছুমান কনচেপ্ট থাকে এলিমেণ্ট থাকে যাৰ জৰিয়তে এখন চিটিক স্পুন চিটি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা যায় মেইন যিটো মুদ্দা সেইটো কি হয় টু ৰিটেইন এণ্ড মেনেজ ৱাটাৰ ঠিক আছে দিছ মেজাৰ্ছ হেল্প শ্ল' ডাউন ৱাটাৰ ফ্ল' নেচাৰেলি ফিল্টাৰ ইট এণ্ড ৰিচাৰ্জ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইছ প্ৰচেছ মে কিয়া হ'ব যো ৱাটাৰ ফ্ল' হয় উচক শ্ল' ডাউন কিয়া যায়গা নেচাৰেলি ইছক ফিল্টাৰ কিয়া যায়গা এণ্ড जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जाएगा यही इसका एम है द एम इज टू मेक अर्बन एरियाज एक्ट लाइक स्पॉन्जेस सॉकिंग अप रेन वाटर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्लड्स व्हाइल रिप्लेनिशिंग लोकल वाटर रिसोर्सेस ठीक है ये सॉक खुहिबर कारण ठीक है स्पॉन्ज टाइप खुहिबर कारण जाते एडिशनल वाटर खनि खुहिब पारे ফ্লাডৰ ৰিস্ক যাতে কম কৰিব পাৰে এণ্ড যাতে লোকেল ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বা গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যাতে ৰিপ্লেনিছ কৰিব পাৰে এই স্পুন চিটিৰ কনচেপ্টটো এইটোৱে দ্য নেক্সট টপিক ইজ এবাউট ৱৰ্ল্ড কফি কনফাৰেঞ্চ 2023 ইট ইজ অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম জি এছ পেপাৰ থ্ৰী এনভাইৰনমেণ্ট পইণ্ট অফ ভিউ কিউ এনভাইৰনমেণ্ট পইণ্ট অফ ভিউ হে ভি আমি দেখিগে কনটেক্সট কিয়া হয় দ্য ফিফ্থ এডিশ্যন অফ ৱৰ্ল্ড কফি কনফাৰেঞ্চ was organized by International Coffee Organization ICO in collaboration with the Coffee Board of India for the first time in Asia at Bangalore. Asia mein pehli baar ke liye kiya gaya hai Coffee Board of India CBI ke sath Coffee Board of India ke sath collaboration karke International Coffee Organization ke dwara ye kiya gaya hai. Theme kya hai? Sustainability through circular economy and regenerative agriculture. सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ठीक है इसके लिए एक मैस्कोट भी लाइक बनाया गया है जहाँ नाम हो कॉफी स्वामी ठीक है ये द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस सिमलेसली कनेक्ट्स इंडियन ट्रेडिशन विद कॉन्टेम्प्रेरी अपील न यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी एम्बेसडर्स बनाया गया है ऑफ द वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 पहला क्या है देखिए फ्रॉम द कॉफी फार्म्स ऑफ इंडिया फाइव फ्लोरर्स एंड फाइव फॉनर्स एम्बेसडर्स फॉर द कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ये बनाया गया है पांच फ्लोरर लिया गया है पांच फौना लिया गया है जो भी फ्लोरा फौना कॉफी गार्डन्स में दिखने को मिलता है देखिए यहाँ पे कैसे दोनों को एक किया गया है पांच पांच को यहाँ पे बी एन जो आपका कैसिया फिस्टूला है ठीक है इसको इंक्लूड किया गया है इसको लाइक दोनों को जोड़ा गया है एलिफेंट के साथ बर्ड ऑफ पैराडाइज को जोड़ा गया है इंडियन हेयर के साथ मैरीगोल्ड को जोड़ा गया है ठीक है पीकॉक के साथ नील कुरुंग जी को जोड़ा गया है सीवेट के साथ दहिला को जोड़ा गया है तो एक फौना है
उसके ऊपर फ्लोरा को डिज़ाइन करके यहाँ पे दिखाया गया है, जिन पांच पांच फ्लोरा एंड फौना को यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एम्बेसडर्स की तरह यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, रखा गया है। ना पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। द आई सी ओ डेट वॉज फाउंडेड इन 1963 विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट इन 1962, ठीक है। ये 1962 में इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट भी साइन हुआ था एंड यूनाइटेड नेशन की हेल्प से ही आई सी ओ इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था 1963 में, डेट मीन्स 1963 में, ठीक है। 1963 से ये ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। द आई सी ओ प्राउडली रिप्रेजेंट्स 93% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन एंड 63% ऑफ इट्स कंजम्पशन। डेट मीन्स ये जो आई सी ओ आसे ये कि रिप्रेजेंट करे, प्राय दुनियार बा विश्वर 93% ऑफ कॉफी प्रोडक्शन, ठीक आसे, एंड 63% ऑफ इट कंजम्पशन इट रिप्रेजेंट्स, ठीक आसे। तो आई सी ओ इमान एटा डांगर संस्था हय। द ऑर्गेनाइजेशन सिक्स टू फोर्टिफाइ एंड फोर स्टार द ग्लोबल कॉफी सेक्टर सस्टेनेबल ग्रोथ विद इन ए मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क एंश्योरिंग बेनिफिट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स अलोंग द ग्लोबल कॉफी वैल्यू चेन GCVC, ठीक है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया से जो रिलेट करके कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के कोलाबोरेशन में जो किया जा रहा है, उस कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, डेट मीन्स इट इज बैक्ड बाय लॉ, ठीक है। 1942 में बनाया गया था, मतलब वर्ल्ड कॉफी जो आपका इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे बहुत पहले बनाया गया था। द फंक्शन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। द बोर्ड डेट मीन्स कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इट कंप्राइजेस 33 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इट फंक्शंस फ्रॉम बेंगलुरु। द बोर्ड मेनली फोकसेस इन इट्स एक्टिविटीज इन द एरियाज सच एज रिसर्च एक्सटेंशन डेवलपमेंट मार्केट इंटेलिजेंस एक्सटर्नल इंटरनल प्रमोशन ऑफ कॉफ़ी। इन पांच चीज़ों में ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है, रिसर्च से लेके एक्सटेंशन डेवलपमेंट से लेके मार्केट इंटेलिजेंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रमोशन तक, ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है इट इज़ मेनली अंडर दिस कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आसाम पॉइंट ऑफ व्यू, आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड, ठीक है। तो ये आज का न्यूज है, आसाम ट्रिब्यून से मैंने लिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या दिया गया है कि आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 आसाम बैक्स विथ 2 awards इन 2 categories। क्या क्या अवार्ड मिला है आसाम उत्कृष्ट अवार्ड 2023 में, आसाम बैक्ड अवार्ड्स इन 2 categories इन आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023। द स्टेट गॉट द अवार्ड फॉर हाइएस्ट आयुष्मान कार्ड क्रिएशन, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड क्रिएशन इसी स्टेट में हमारे आसाम में ही हुआ है एंड इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारे स्टेट आसाम को बेस्ट स्टेट का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। ये आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड आसाम स्टेट को मिला है। द आयुष्मान नेक्स्ट इज द आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड फॉर ब्रेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर पीएम जय, दैट मीन्स पीएम जन आरोग्य योजना वाज ऑल्सो कॉन्फर्ड ऑन द स्टेट, ठीक है। ये भी सबसे बढ़िया पीएम जय जो आपका जन आरोग्य योजना है, इसका बेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड आसाम को मिला है। द अवार्ड्स वेर गिवन अवे बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंदाविया एट द आरोग्य मंथन 2023। ओके, बेसिकली आरोग्य मंथन 2023 जो हाल ही में चल रहा था, यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है हेल्थ एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आज का क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। और आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ अगर इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए, क्योंकि हर दिन मैं करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक क्वेश्चन भी हर एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं लेके आता हूँ, तब तो आप लोगों का वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ साथ में आप लोग हर दिन जो ये डिस्कशन है उसको भी देखिए, ताकि आप लोगों का जो कॉन्टेंट है ये एनरिच होगा एंड ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स फॉर एवरी टॉपिक, जहाँ से आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।